क्या आप लोगों को 2023 में RS 200 खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब आपको पता है कि आज है भाई दोस्तों 19 यानी कि 19 दिसंबर, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बचे हुए हैं, दिसंबर यानी कि 2022 खत्म हो जाएगा। तो क्या अब की डेट में RS 200 को खरीदना चाहिए, और खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आपको RS 200 क्यों चूज करना चाहिए, ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जो आज भी RS 200 को उसको खास बनाता है। सो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। अगर आप कन्फ्यूज़ है RS 200 को लेकर तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि ये भी एक बाइक का एडवांटेज भी है और आपको प्राइस भी पता होना चाहिए। RS 200 एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 170,000, 170,000 रुपये के आसपास की ये बाइक हमें एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज से फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 2,03,000 रुपीज़, 2,03,000 रुपये के आसपास की आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों यही बाइक का सबसे पहला एडवांटेज है, क्योंकि ये 200cc की बाइक जो है इंडियन मार्केट में सबसे सस्ती बाइक है। आज भी कोई और 200cc की बाइक आपको इस प्राइस में देखने को नहीं मिलती, और इस बाइक में आपको जितनी पावर देखने को मिलती है उतनी पावर आपको कोई और बाइक में इतने प्राइस में नहीं देखने को मिलती। सो इस वजह से दोस्तों बाइक को खरीदने का सबसे पहला रीज़न यही होता है कि बाइक की जो पावर है वो आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिल जा रही है। वही दोस्तों जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक का लुक। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कि RS 200 को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक्चुअल में दोस्तों RS 200 है भी बहुत ज़्यादा अच्छी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर्सनली दोस्तों मुझे भी ना RS 200 बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई लोग मतलब बजाज ने इस बाइक को ऐसा बनाया था, इस बाइक का ऐसा डिज़ाइन है जो आज भी लोगों के दिल में है, और भाई कहीं ना कहीं मुझे भी ना ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों इस बाइक को ख़रीदने का सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है दोस्तों वो लगता है भाई ऑब्वियसली बात है इस बाइक का लुक। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट रीज़न के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक की लाइट्स। अब आपको पता है दोस्तों भले ही RS 200 में हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है, बट नो डाउट यार बाइक का जो प्रोजेक्टर लाइट है ना आपको बहुत प्रीमियम देखने को मिलता है। प्रीमियम इन द सेंस कि भाई वहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसकी जो लाइट का लुक है वो तो अच्छा ही है, लेकिन लाइट की जो विजिबिलिटी है वो भी आपको बेहतर देखने को मिलती है। भले ही वो हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट है बट है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, इस वजह से भी दोस्तों इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों इस बाइक को खरीदने का जो नेक्स्ट रीजन है वो है दोस्तों इस बाइक की माइलेज। अब आपको बताएं दोस्तों आजकल इंडियन मार्केट में जो पेट्रोल का प्राइस है वो कहां तक पहुंच चुका है भाई, इतना ज्यादा प्राइस पहुंच चुका है कि भाई पेट्रोल के में यार मेरे में 10 बारे में मतलब पेट्रोल के बारे में 10 बार सोचना पड़ता है जब भी हम एक स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हैं। सो भी दोस्तों RS 200 में आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइक का जो माइलेज है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा जो माइलेज आपको बाइक में मिल जाता है। इस वजह से भी दोस्तों RS 200 को आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, एंड मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल आपको खरीदना भी चाहिए। बात करें दोस्तों नेक्स्ट रीजन के बारे में तो वह दोस्तों इस बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट। अब आपको जैसे पता ही है दोस्तों RS 200 एक इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड यानी कि हमारा खुद का अपना ब्रांड है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादातर पार्ट्स हमारे यहाँ ही बनते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि बाइक का जो पार्ट्स का रेट होता है वो भी कम होता है, प्लस पार्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी आपको बहुत बेहतर देखने को मिल जाती है। इस वजह से भी आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस बाइक को मेंटेनेंस कराना काफी आसान है। बात करें नेक्स्ट रीजन के बारे में तो है दोस्तों कंफर्ट प्लस पिलियन कंफर्ट। कहने का मतलब ये दोस्तों कि बाइक की जो रियर सीट है ना वो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी, नहीं तो आपको पता है जितनी ज़्यादातर नॉर्मल बाइक्स होती है स्पोर्ट सेगमेंट की, खासकर फेयरिंग स्पोर्ट बाइक, उनकी जो पिलियन सीट होती है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन RS 200 की बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि अगर आप किसी फैमिली पर्पज पर्सन को बैठाने की सोच रहे हैं, या आप ये सोच के ले रहे हैं कि भाई मुझे फैमिली को भी लेकर घूमना है, तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इवन दोस्तों आप अपने मॉम डैड को भी इजिली आप इस बाइक में बैठा सकते हैं, तो ये भी बाइक को खरीदने का मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा एडवांटेज में से एक है। बात कर ले नेक्स्ट रीजन के बारे में दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इस बाइक को खरीदने का, और वह दोस्तों इस बाइक का फीडबैक। दोस्तों आप ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज लेंगे, लेने से पहले चार लोगों से पूछेंगे, चार लोगों से अगर जब भी पूछते हैं तो आपको हमेशा दोस्तों इस बाइक का जो कहने का मतलब ये है कि चार लोगों से पूछेंगे आप इस बाइक के बारे में तो वो लोग इसका फीडबैक जो है ना हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव ही देंगे,
और इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है कि लोग इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इस वजह से। और दोस्तों ऑब्वियसली बात है, चार लोग इस बाइक को अच्छा बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों आप भी इस बाइक को बिल्कुल आंख बंद करके खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग RS200 अगर खरीदना चाह रहे हैं तो किस लिए खरीद सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।